अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ दो कुर्तीज़ के डिज़ाइन शेयर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी सेपरेट से शेयर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फुल वॉच करने के बाद भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट इस तरह की ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये घर में पहनने वाले लॉन के ड्रेसेस हैं। ब्रांड इस वाले ड्रेस का गुल अहमद है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी वो कार्डी क्या है। सबसे पहले हम इसका नेक देख लेते हैं। इस तरह से इसका नेक है, ये देखिए राउंड, यहाँ से राउंड है, और उसके अंदर ये सिक्योर से बना के लगाए हुए हैं। ये सिक्योर जो हैं बेसिकली बैक साइड से जो कपड़ा निकला था लाइनिंग वाला उसके हैं इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से स्लिट कट करके, तो ये देखें यहाँ तक स्लिट कट की है। उसके बाद ये साइड से जो फैब्रिक था उसके ये कटवर्क बनाए हैं, फिर एक सिक्योर ऐड किया है, फिर कट है, फिर सिक्योर और फिर कट, और इस कट के ऊपर ये देखें लेस के जो फ्लावर्स होते हैं उनको एक एक कट करके इस तरह से लगाया हुआ। इस तरह आप लेस को यूज़ करके ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें ओवरऑल नेक की मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी ओवरऑल लुक है नेक की। आप यहाँ से इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैक साइड से इसका प्रिंट इस तरह ऊपर से प्रिंटिंग और नीचे ये बिल्कुल प्लेन सा वाइट आ रहा था, तो इस प्रिंट को ब्रेक करने के लिए देखें बैक साइड से फैब्रिक लेके उसको डबल फोल्ड करके तो इस तरह से पट्टी अटैच की, उसके ऊपर ये देखें ये शीट लेस है, सेंटर लेस भी इसको बोलते हैं, ये इस तरह से ऊपर वाली साइड पर अटैच की हुई है। उसके बाद साइडों पे इस तरह से ये बारीक सी शीटल वाली लेस ऐड की हुई है, और ये लेस पलटे के साथ नहीं बल्कि पलटे के बगैर ये देखें इस तरह से इनविजिबल करके लगाई हुई है, यानी कि घूम करके लगाई हुई है बगैर पलटे के। तो अगर आप पलटे के बगैर ये घूम लेस किस तरह से लगाते हैं सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूँगी। ये देखें पलटा यूज़ नहीं किया बल्कि जो फैब्रिक शर्ट का था उसी के साथ इसको घूम करके लगाया हुआ चारों तरफ से। उसके बाद इसकी स्ट्रेट टू बेल जो होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट बेल शेप में वो स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के आगे इस तरह से ये लेस लगाई हुई है। अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। बैक साइड से इस तरह लाइनिंग में प्रिंट है, साइडों पे भी इस तरह से लेस लगाई हुई है, और नीचे भी इस तरह से पलटे के बगैर घूम करके इस तरह से लेस लगाई हुई है। नेक्स्ट ड्रेस ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये खाडी से मैंने बाय किया था। इसके नेक और स्लीव्स की फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। इस तरह से बोट नेक है, और ये पाइपिंग वाली पट्टी लेके इसकी एक छोटी सी तकरीबन 2 इंच चौड़ी एक पट्टी बनाई हुई है, और उसकी साइडों पर इस तरह से ये रिंग बना के लगाए हुए इस तरह से, और ये साइड पे एक लेस थी जिसमें ट्रायंगल और ये लूप्स दो दो करके लगाए हुए। आप लेस की बजाय खुद भी बना कर लगा सकते हैं। ये देखें ऑर्गेन्जा फैब्रिक का एक ट्रायंगल है, और ये डबल लूप्स इस तरह से लगाए हुए। और इस कुर्ती की कटिंग प्रिंसेस कट है, बेसिकली है ये शर्ट लेकिन प्रिंसेस कट जस्ट फ्रंट साइड पे दी हुई है। ये देखें इस तरह से यहाँ से एक पैनल है और एक पैनल यहाँ से, और उसके अंदर पाइपिंग दी हुई है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है शर्ट पे, और छोटा छोटा प्रिंट है। ये पैनल्स जो हैं जस्ट फ्रंट साइड पे दिए हुए हैं, ये काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट लुक आती है, ख़ासतौर पर जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं उनके लिए ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रहता है कि उसमें काफ़ी स्मार्ट लुक आती है। और इसकी साइडों पर भी इस तरह से पाइपिंग लगाई हुई है, ये देखें बारीक वाली। और इसकी स्लीव्स और दामन का डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब की कटिंग और स्टिचिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखें ये काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, इस तरह से सेपरेट सेपरेट पीसेस बना के उनको इस तरह से अटैच किया हुआ है। ये देखें इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग ऑलरेडी अपलोड है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इस तरह से स्लीव्स इसकी थर्ड क्वार्टर स्लीव्स हैं, और इस तरह से देखिए पहले एक सेंटर लेस लगाई हुई है, उसके बाद एक पट्टी है जो कि प्रिंटेड शर्ट के साथ ही वो अटैच किया, और उसके आगे इस तरह से राउंड बना के उन्होंने इस तरह से पाइपिंग की ही लूप्स बना के लगाए हुए हैं। ये देखें इस तरह से,
इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है, समर पे ईद के लिहाज से काफ़ी अच्छा लगेगा। बैक साइड पे सिंपल इस तरह से चारों तरफ नीचे और ऊपर पाइपिंग इस तरह से फोल्ड की हुई है, और ये जो डिज़ाइन है ये पलटे के साथ लगाया हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।